नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर और आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। अगर आप भी अपने गंतव्य तक जाने के लिए पटना में ऑटो का सहारा लेते हैं तो आपको भी महंगाई के इस दौर में एक बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि एक बार फिर से ऑटो किराए के लिए आपके जेब से अतिरिक्त पैसे की निकासी होने वाली है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो ऑटो किराए में बढ़ोतरी होने वाली है। ऑटो किराए में बढ़ोतरी की वजह पेट्रोल और डीजल के साथ साथ सीएनजी पीएनजी का महंगा होना है। ऑटो संघ की इस मांग पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव ने किराए में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को परिवहन विभाग के पास भेज दिया है। इससे पहले परिवहन विभाग ने इस मामले में प्राधिकरण से ऑटो किराए में बढ़ोतरी पर सुझाव मांगा था, जबकि अब पेट्रोल डीजल और सीएनजी के मूल्यों में हुई वृद्धि और ऑटो संघ के मांग को देखते हुए प्राधिकार ने अपने मंतव्य को परिवहन विभाग के पास भेज दिया है। इसलिए अब यह संभावना जताई जा रही है कि शहर के अलग अलग रूटों के लिए अलग अलग किराए का निर्धारण किया जाएगा। हालांकि अभी यह क्लियर नहीं हो पाया है कि ऑटो किराए में कितने फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन इससे पहले बिहार स्टेट ऑटो चालक संघ ने 18 अप्रैल को मांग करते हुए यह कहा था कि ऑटो किराए में कम से कम 30% तक की वृद्धि की जाए। ऑटो चालक संघ की इस मांग को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अधिकारियों ने एक बैठक बुलाई। इस बैठक के दौरान पेट्रोल डीजल और सीएनजी के कीमतों में हुई वृद्धि को देखते हुए किराए में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को परिवहन विभाग के पास भेजने का फैसला लिया गया। इस बैठक के दौरान पेट्रोल डीजल और सीएनजी के कीमतों में हुई वृद्धि को देखते हुए किराए में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को परिवहन विभाग के पास भेजने का फैसला लिया गया। इसके बाद प्राधिकार ने 19 मई को परिवहन विभाग के पास इस प्रस्ताव को भेज दिया, जबकि अब सबकी निगाहें परिवहन विभाग पर टिकी हुई हैं। आज की इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।